कुछ करेंगे इसकी भी गजब गले छुरा मारे आ जा ब्राह्मण तो सारे आने चाहिए क्या बात ब्राह्मण दो ही किसे गया अध्यक्ष का अध्यक्ष अरे वो कहा अध्यक्ष हाँ लोकेश जी का सही बात। ब्राह्मण समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भगवान परशुराम जी की जयंती आने वाली है, उस पर तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। उनमें शिक्षा राज्य मंत्री जो वासुदेव देवनानी है, उनका तमाम कार्यक्रम में बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें किसी भी कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम में उनका बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही सब द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये जो मामला है वो वासुदेव देवनानी जी द्वारा जो व्यक्तिगत टिप्पणी पंडितों के ऊपर की गई है उसी से संबंधित है। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील की है कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करें और इस बीच में नहीं आए, क्योंकि मामला सिर्फ वासुदेव देवनानी और ब्राह्मणों से लेकर है। इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं करें। ब्राह्मणों के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा और यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से नहीं हटा देती। और यह मामला जो है पंडितों के खिलाफ टिप्पणी करने का मतलब है उन्होंने 36 कौम के खिलाफ टिप्पणी की है, क्योंकि ब्राह्मण जो है हर एक व्यक्ति के जन्म मरण प्रण वो चाहे किसी भी जाति समुदाय का है, ब्राह्मण समुदाय जो है प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ है और उसके बिना पूरे देश के जितने भी संप्रदाय की 36 कौम है उनके कर्मकांड नहीं हो पाते हैं। और इसलिए संपूर्ण समुदाय से अपील की है और इससे जो निश्चित रूप से जो सिंधी समुदाय है उनके भी जो पंडित होते हैं सभी को आघात लगाए, और जिन लोगों का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी इस देवनानी का बचाव कर रही है उनसे अपील की है वो इस मुद्दे के बीच में नहीं आए, क्योंकि वो भी उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि हमें दबी आवाज़ के अंदर हमें दबाव बनाया जा रहा है कि हम इस मुद्दे पर उनकी मदद करें, परंतु ऐसा समाज के बीच में राजनीति कब तक हावी नहीं होनी चाहिए। इसलिए समाज बंधुओं ने निर्णय किया है कि समाज के किसी भी कार्यक्रम में उनका पूर्णतः बहिष्कार किया जाए।